वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल इनसाइट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं एक सीलिंग बैग का, एक पार्टी सीलिंग बैग का रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने मीशो से परचेज किया है। और गाइज, आई थिंक ये मेरे यूट्यूब पे पहला ऐसा रिव्यू है जिसे मैं मीशो से कर रही हूँ, क्योंकि मीशो से वैसे मैंने बहुत सी चीज़ें परचेज़ की है पर कभी भी रिव्यू नहीं शेयर किया आप सबके साथ। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा मेरा बैग है, जिसे मैंने अभी भैया दूज के लिए परचेज़ किया था मीशो से। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो उसका रिव्यू मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज की वीडियो आप लोगों की हेल्प कर पाती है तो उसके लिए वीडियो को मेरी एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यह है मेरा ब्लू कलर का, बहुत ही प्यारा वाला जो इसका पैटर्न है वो गाइस, टेक्सचर वाला जो पैटर्न होता है ना, जो जिसमें इस तरीके की लाइटिंग, अगर आप लोगों के सामने से अगर आप लोग इसे कैरी करते हैं और हैंग करते हैं, तो अगर आप लोग आपके पर्स पे इस तरीके की लाइटिंग पड़ेगी तो इस तरीके से ये इसका जो प्रिंट है वो टेक्सचर प्रिंट है। और सबसे पहले हम इसकी मटेरियल की बात करें, जो इसका मटेरियल है वो पीयू है। और यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का पर्स मिलता है, काफ़ी अच्छा सा और काफ़ी सोवर सिंपल। और सच में गाइज, ये इस तरीके का पार्टी पर्स है कि पार्टी सीलिंग बैग है कि आप लोग इसे चाहे तो किसी भी पार्टी में और ऐसे भी आप लोग इसे कैरी कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। और गाइज, ये इस तरीके की बहुत ही हैवी वाली जो चेन होती है ना, इस तरीके की गोल्डन चेन के साथ आप लोगों को मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी है कि ये आपकी जो इसकी चेन है ये आप लोगों की इतनी बड़ी भी हो जाती है, और अगर आप लोग चाहते हैं इसे थोड़ा सा छोटा करना तो आप लोगों का ये इस तरीके से भी बन जाता है और काफ़ी प्यारा वाला ये लुक देता है। मैं आप लोगों के साथ इसका ट्राई ऑन जरूर शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो देखिएगा पूरा। और चलिए अब इसका मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये आपको इस तरीके के गोल्डन कलर का आगे से आपका ये ओपन करने के लिए मिलता है। अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये क्लिप मिलता है बंद करने के लिए, इस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हैं। और अंदर आप लोगों को एक ही कंपार्टमेंट मिलेगा, ये एक ही कंपार्टमेंट है। और यहाँ पे अगर आप लोग कुछ रखना चाहते हैं पॉकेट में तो छोटी सी एक पॉकेट दी गई है, तो यहाँ पे आप अपना पैसे वैसे रख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल या कुछ भी मेकअप का सामान या एसेसरीज वो रख सकते हैं। तो काफ़ी आपके ये इतना पर्स आता है और काफ़ी प्यारा है, और लंबाई और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ठीक है, सूटेबल है। अगर आप लोग मोबाइल, दो तीन मोबाइल तक इसको आप इसमें रख सकते हैं। और जो इसकी चेन की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस लोग इसे हैंग करते हैं तो पूरा जो भी इसका वेट होता है तो ये हमारे जो हैंगिंग चेन होती है उसी में आता है, तो उसके लिए इसे थोड़ा सा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि इसे मैंने गाइस अंडर 500 रुपीज़ परचेज़ किया है और मीशो पे, मैं इसका जो भी कोड होता है मीशो का वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग भी इसे ले सकते हैं। और इसकी जो रेटिंग थी वहाँ पे, पिक्चर तो नहीं थी मीशो पे, पर इसकी रेटिंग जो थी 5 में से 4.2 थी मीशो पे, जितने लोगों ने भी इसे परचेज़ किया है तो उसे रेटिंग दी थी। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लोगों का ये पर्स गंदा हो जाता है तो आप लोग इसे गीला कपड़ा करके अगर इसे आप लोग क्लीन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और गाइस, आज की यही थी मेरी छोटी सी एक वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाया करो। और आगे भी अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो देखनी है, तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और नहीं चैनल से जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाओ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।